दुआ करना, एक के का मतलब भी पूछना और दुआ भी करना सब। तो एक एक का मतलब मैंने बताया हुआ है सबको। फार भाई आएंगे, साथ में जाएंगे आप। फार भाई को तो टाइम लगेगा, अभी वो बिल्कुल भी रेडी नहीं है। इनको नहाना है, उसके बाद कपड़े पहनने होंगे, तैयार होने में बहुत टाइम लगता है। लड़कियों की तरह वो तैयार होते हैं। सब कवारों के लिए दुआ है कि अल्लाह उनको जल्दी से जल्दी निकाह मिला। शाहरुख खान लग रहे हैं, ये देखो जरा लुक चेक करो इनकी, माशाल्लाह। मुझे तो कुछ पता नहीं हो रहा है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अभी बारात निकल रही है, दुआ करें बाज की बारात भी जल्दी निकल। सखियां ने सजना है, मैं भी सबर ना है। ये रही गाड़ी हमारे दूल्हे राजा की, माशाल्लाह। दूल्हे राजा की गाड़ी है नहीं है? All right, so guys, what's up everybody? तो कैसे होता भाई, बहुत क्या होता, बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो गाइज आप सबको मेरे एक न्यू व्लॉग में स्वागत है। तो गाइज मैं इस टाइम आ चुका हूँ गफार भाई के भाई की जो बारात ना अटेंड करने। रात में जो आपने पिछली वीडियो देखी वो एक मेरे दोस्त की बारात थी यार, बारात नहीं थी, शादी थी उसकी, ठीक है। बारात उसकी भी आज के दिन ही है, तो मैंने रात को वो अटेंड की थी। उसको मैंने पहले ही बोल के रखा हुआ था कि भाई आज के दिन मैं नहीं आने वाला हूँ, क्योंकि यार आज मैं गफार भाई के घर पे जाने वाला हूँ। तकरीबन मैं आ गया हूँ, यहाँ से बिल्कुल सामने दिख रहा है मुझे गफार भाई का घर, और मैं इसको लेके आया हूँ, ठीक है, अपने यार को साथ में, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और कैमरा तो इसी के हवाले है। इस बंदे ने ये हार पहन के रखा हुआ था यार, दूल्हे राजा के लिए मैं हार लेके आया हूँ। इसीलिए पहले यहीं से मतलब यहीं पहन के जा रहा, बोल रहा हूँ मैं दूल्हा बनूंगा। इतनी शौक है यार शादी करने की। हाँ भाई बहुत ज्यादा शौक है मुझे, थोड़े बड़े तो हो जाए, अभी हम छोटे छोटे यार, बोल रहे देखा बोल रहा शादी की शौक है, मुझे भी जल्दी करनी है। तो देखते हैं गाइस यार आज मैं आपको पूरी यहाँ की मतलब जैसे कैसे शादी होती है, क्या है क्या नहीं, हार वगैरह सब कुछ डालते पूरा मैं ना आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। यहाँ की मतलब जम्मू कश्मीर की शादी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ का जो है ना व्यू चेक करो यार, मौसम आज काफी मस्त है यार, धूप ना मजे। ये वीडियो चलती है? हाँ वीडियो चल रही है भाई साहब। मुझे इतना जल्दी बुला के आपने बोला था कि 10 या 10:30, ज्यादा लेट नहीं होगा। तू ड्रेसअप कैसा करता है, कपड़े कैसे पहनता है, उसी हिसाब से मैं भी पहनूं फिर। कोई बात नहीं, मेरे से ज्यादा सुंदर लग रहा है, सुंदर सुशील लग रहा है। कितना टाइम लगेगा? और ये देखो मैं ना रात में 2 बजे सोया था, वहाँ शादी थी। तुझे क्या दिक्कत है? आप जब भी चलेंगे बारात के साथ जाएंगे, आपने क्या गाड़ी लाई है? नहीं जी, गाड़ी कहाँ लाएंगे, पैदल आए? पैदल कहाँ आएंगे, कैसे आए यहाँ से? बुलेट छोड़ के गया हमें। अच्छा, चाहने वाले बहुत हैं, हमारे भी 2-4 तो होंगे इधर। चलो मैं नहीं छोड़ा। नहीं नहीं, इमरान था। अच्छा सर, और बाकी सब बढ़िया? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। वाह वाह, सजा के बैलून वगैरह सब कुछ यहीं पे रखे हुए हैं। अरे अब तो हो गया, फिनिश हो गया, अभी तैयार नहीं हुए? बैठो इधर ही बैठो। हाँ अभी बैठेंगे, क्यों इधर उधर तो चलना है फिरना है। अम्मी कहाँ पे? वो अंदर काम में लगे हुए। तो गाइस ये रहे हमारे दूल्हे राजा। तो जवाहर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक। तो इतनी स्माइल आज, बहुत खुशी हो रही है। दुआ करना, एक के का मतलब भी पूछना और दुआ भी करना सब। तो एक एक का मतलब मैंने बताया हुआ है सबको। अच्छा, एक के कुछ हो ठीक है जवाहर भाई, चलो गफार भाई को तो पता है कि एक एक का मतलब। आपके माइंड में ये आज कैसे बात आ गई? एक्चुअली आज मैं दूल्हा बना हूं ना, अल्लाह आपको भी दूल्हा बनाए ऐसे जल्दी। आमीन आमीन, बहुत जल्दी है, दुआ करना आप भी। तलवार लेके जाओगे आज? हाँ जी। तो कितना टाइम लगेगा अभी निकलने में? 1.5-2 घंटे तो लगेंगे, अभी बड़ा मुश्किल है काम, अभी तो स्टार्ट हुआ है। अच्छा, तो अभी हार वगैरह की रस्म होगी वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन अब मैं ना जल्दी में आएगा, फार भाई ने बोला था कि 10 या 11 से पहले हम निकल जाएंगे ना, तो हार वगैरह का होता है जो ये फंक्शन होता है ना, ये थोड़ा लंबा हो जाता है। चलो देखते जाओ, मेरी तरफ से और जितने बंदे देख रहे हैं आपको शादी मुबारक। शुक्रिया, इनके लिए भी दुआ कर लेना और हमारे लिए भी कर लेना कि चलो अल्लाह कभी सब कवारों के लिए दुआ है कि अल्लाह उनको जल्दी से जल्दी निकाह मिला। आमीन आमीन। तो कैसे भी आप देख सकते हो जो हार वाली रस्म है ना वो स्टार्ट हो गया, और अभी जो सामने आपको दिख रहे हैं वो गफार भाई के पापा हैं और साथ में मम्मा है।
हिस्सा है तू अब तो मेरे दिल के जज्बातों का, तू लफ्ज है ठहरा हुआ बस मेरी बातों का। लुक छुप ना जाओ जी, मन जीत कराओ जी, क्यों तरसावे हो दिखाओ। तो गाइस हार वगैरह की रस्म जो है ना अभी चल रही है यार, काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, हमने भी हार लगा कर मतलब ला के रखा हुआ है और वो भी देख रहे हैं अच्छा सा कोई टाइम देख के, जब गफार भाई आएंगे साथ में जाएंगे आप गफार भाई को तो टाइम लगेगा। अभी वो बिल्कुल भी रेडी नहीं है, इनको नहाना है, उसके बाद कपड़े पहनने होंगे, तैयार होने में बहुत टाइम लगता है, लड़कियों की तरह वो तैयार होते हैं। ठीक है, अभी जब आए थे ना मतलब तकरीबन आधा घंटे हुए, उन्होंने आधा घंटा लगाया नहाने में यार, बहुत टाइम लगाएंगे। उसके बाद अगर देखते हैं जल्दी आ गए तो ठीक है साथ में जाएंगे, नहीं तो मैं चाहूँगा सामने हार वगैरह डाल के उसके बाद यार थोड़ा करते हैं एंजॉय। और जितने भी जो भी रास्ते में जो भी चीज़ें होंगी जैसे होगा मैं आपको बताऊँगा पूरी, यहाँ की मतलब बताता हूँ कैसी शादी है क्या नहीं। आपके वहाँ पर मतलब अलग तरीके की होती है क्योंकि मैं हॉल वगैरह में बुक करना पड़ता है, हमारे घर पर ही शादी होती है देसी स्टाइल में, जो भी खाना पीना इधर ही बनता है। ठीक है, वैसे तो आप वहाँ की शादी में बाहर से मंगवाना होता है, ये है वो है। बाकी मैं इस शादी में ना यहाँ मतलब लोकल आपको ये शादी बताने वाला हूँ। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो चेयर वगैरह यहीं पे लगा के रखी हूँ, जितने भी बंदे वगैरह आ रहे हैं यहीं पे बैठ रहे हैं, सामने कुछ बैठे हुए हैं और ये अपने कैमरा में फ़ोटो भी क्लिक कर रहे हैं और साथ में वीडियो भी बना रहे हैं और अपने दूल्हे राजा सामने कितनी तगड़ी स्माइल दे रहे हैं। तो गाइज हार वगैरह मैंने अभी डाल दिया यार, और ना फोटो क्लिक करने के लिए कोई बंदा नहीं मिल रहा था तो मेरा फ़ोन ना अंदर चार्जर पे लगा के रखा हुआ है, तो ये भाई ने और फोटो क्लिक किया ना, कल फोटो कसम से यार एक नंबर आया फोटो यार। थैंक यू मेरी जान, क्या नाम है आपका? सोच रहे थे यार कार का फ़ोन अच्छा है, वो फोटो भी अच्छे क्लिक करता है, मैं सोचा यार मेरी तो जान पहचान ही नहीं है, मैं कैसे बोलूँ यार तो मैं जानता भी नहीं था आपको। नहीं मुझे तो आप जानते होंगे मैं। मैंने आप। और बाकी कैसा चल रहा है शादी का? शादी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया। मजे ना? मजे। बड़े स्मार्ट लग रहे हो। तो चलो गाइस आप देखते हैं यार कितना टाइम लगेगा और, लेकिन तकरीबन एक घंटा तो और लग ही जाएगा यार। गफार भाई ने मुझे पता क्या बोला कि 10:30 निकल जाएगी बारात, तो उस चक्कर में मैं सुबह 7 बजे उठा, जल्दी जल्दी खाया पिया भी नहीं, जल्दी भाग गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो? बस अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हो अज़रबैजान? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हो? तो मैं ठीक हूँ, मैंने आपका मतलब उस दिन भी परसों में आया था, मैं आपको कॉल की तब भी नहीं थे आप के लिए सारी। एक्चुअली में मुझे फीवर हो गया था काफ़ी। अच्छा, तो आज भी बड़ी मुश्किल से आया टाइम निकाल के। अच्छा गाइस मुझे कमेंट करके बताओ कि जो अज़रबैजान को कौन कौन बंदे जानते हैं। ठीक है, तबीयत तो मेरी भी ख़राब है। बाकी मेरा अच्छा रहा। ये रही गाड़ी हमारे दूल्हे राजा की, माशाल्लाह दूल्हे राजा की गाड़ी है नहीं? ओहो हो, अस्सलाम वालेकुम भाई जान। अस्सलाम, कैसे हो जी? बिल्कुल सर बढ़िया, खैरियत है? आप पहुंच गए जी? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सर आपका सफर? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अच्छा रहा। आप बताओ शादी एंजॉय की? बिल्कुल। चलो कहाँ जा रहे हो आज? बारात एंजॉय करेंगे। जवाहर भाई की? हाँ, इधर काम कौन करेगा? हाँ
तो बाकी गाइज आप देख सकते हो बारात जो ना ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, निकल रही है। अभी थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो बंदे कितने ज़्यादा हैं। और आज ना मैं दो दो कैमरे संभाल रहा हूँ, गफ़ार भाई का भी और अपना भी। और गफ़ार भाई ये रहे सामने यार, बिल्कुल आज ना शाहरुख खान लग रहे हैं। ये देखो ज़रा लुक चेक करो इनकी, माशाल्लाह। मुझे तो कुछ पता नहीं हो रहा है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। कल बहुत ज़्यादा रश था, वो वीडियो मैंने आपको दिखाई। अच्छा, तो अभी बारात निकल रही है, दुआ करें बाज की बारात भी जल्दी निकले और आपकी भी। तो आज ना दो दो कैमरे संभालने पड़ रहे हैं यार मुझे। तो बाकी आप देख सकते हो सब ना मतलब बारात जो है ना निकल चुकी है और अपनी अपनी गाड़ी पे बैठ रहे हैं यार। और बैठ के क्योंकि जल्दी जल्दी बैठेंगे ना, उसी हिसाब से यार एक टाइम में मतलब जल्दी से निकल जाएंगे यार, क्योंकि यार ज़्यादा मतलब वेस्ट करेंगे टाइम तो वो अच्छा नहीं है। बाकी सब अपनी अपनी गाड़ी में बैठ रहे हैं, हमारी गाड़ी ये सामने है, इसमें जाना है हमें अजहर भाई के साथ में। और गफ्फार भाई भी सब बंदों को बैठा रहे हैं एक साथ में, सब अपनी अपनी जगह बैठ जाना, फिर आराम से जल्दी निकलेंगे। बाकी देख सकते हो गाड़ी कितनी सारी ज़्यादा है यहाँ पर। और बाकी अगर दूल्हे राजा का कुछ ड्रोन शॉट वगैरह लिए जाएंगे। जा रहे यार अभी धीरे धीरे। तो बाकी गाइज आप देख सकते हो सामने यार बारात की जो भी जितनी भी गाड़ियां हैं वो आ चुकी हैं इस टाइम। भाई साहब गाइस देख सकते हो यार बंदे ना ट्रैफिक में यार चैन कर लिए ट्रैफिक कंपनी। चलो आजा, चलो चलो। तो देख सकते हो गाइस अभी हम कुछ इस तरह की जगह पे पहुंचे हैं यार। सारी गाड़ियां जितने भी है जो भी बारात के साथ में ना सब साइड पे लगी हैं यार। और गफ्फार भाई सब बंदे देख रहे हैं यार कि कोई कम तो नहीं रह गया, कोई पीछे तो नहीं रह गया। देख सकते हो कितनी ज़्यादा गाड़ी यहाँ पे, एक दो तीन मतलब तकरीबन 15 गाड़ी है यार। क्या हुआ क्या हुआ? नहीं आप पहुंचे पहले हमारे। यानी आप पहले पहुंचे हो? हाँ जी। चलो चलो जनाब, आज ऐसी ड्यूटी दी है ना मुझे गफ्फार भाई ने। गफ्फार भाई अच्छी ड्यूटी दी है यार, मेरे दोनों हाथ ऊपर ऐसे ज्यादा ना बोला। वो बस देख रहे थे कितने बंदे को काम है बने क्या कहीं। लेकिन भाई बाकी तो छोड़ो यार, बंदे की लुक देखो यार, खतरनाक लुक है यार, तगड़े वाली लुक है यार, इतनी तगड़े वाली लुक लग रही है भाई की यार। देखो तो सही यार, देखो तो सही। इमरान हाजी कोई इमरान हाजी की बना।
लाश नहीं 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 साजी क्या हो रहा है क्या हो रहा है अरे मैचिंग हो रही है सेम सेम हला उन सारे जल्दी करो लेट हो गई है गड़ियां पाओ फटाफट करो आता भी आज ही बजा देगा इन्हें उठा दो इन्होंने कर रखा था इन्हें कर रखा था फुटबॉल पे यार है टाइम नहीं है ठीक है ठीक है दस ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ